सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ ऑफिशियल कलर ओएस 12 के फीचर के बारे में, प्लस ऑफिशियल रोड मैप के बारे में, मतलब कि आपको कौन कौन से डिवाइस के अंदर ऑफिशियल कलर ओएस 12 का जो स्टेबल अपडेट है एंड जो बीटा अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ओप्पो की ओर से जो लाइव लॉन्च इवेंट है वो यहाँ पर हो चुका है। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर कौन कौन से कमाल के जो चेंजेस हैं, फीचर है जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं कलर ओएस 12 अपडेट के अंदर। और इस वीडियो आप लोगों को YouTube पे 60 या 70 वीडियो देखने को मिलती है, सो काफी ज्यादा पर मेहनत लगती है। सो आपको इंस्टेंट न्यूज प्रोवाइड करने के लिए आप लोग वीडियो को तो यहाँ पर लाइक कर ही सकते हो, सो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में यहाँ पर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ फीचर के बारे में जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद में मैं आपको ऑफिशियल डिवाइस की जो लिस्ट है उसके बारे में बता दूंगा और कौन से मंथ के अंदर यहाँ पर अपडेट मिलेगा उसके बारे में बता दूंगा। सो वीडियो को पूरा देखना। सो चलिए चलते हैं मेरी फोन स्क्रीन पे। यहाँ पर गाइज मैं आप लोगों से बात करूँ कंट्रोल सेंटर के बारे में। सो कलर ओएस 11 का जो अपडेट है उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का कंट्रोल सेंटर है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता था, लेकिन कलर ओएस 12 का जो अपडेट है इसके अंदर आपको कंट्रोल सेंटर है वो पूरा यहाँ पर चेंज होने वाला है। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो कंट्रोल सेंटर है, उसके अंदर आप लोगों को एक बहुत ही कमाल का लुक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और आपको जो कि यहाँ पर टॉगल्स देखने को मिलते हैं वाईफाई के, इनके कलर है वो भी आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हो, और इनके अंदर भी आपको कस्टमाइजेशन है वो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सो बहुत ही कमाल का आपको कंट्रोल सेंटर का जो लुक है वो यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि इंस्पायर है एंड्रॉइड 12 अपडेट से। अब दोस्तों बात करूं सेकंड चेंज के बारे में। सो सेटिंग का जो लुक है कलर ओएस 11 अपडेट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है बेस्ड ऑन कलर ओएस 12 है, इसके अंदर जो सेटिंग का जो पेज है लेआउट है वो पूरा ही आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। आप लोग जैसा कि यहाँ पर देखते हो इनके जो लोगो है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, और पूरा लेआउट है वो आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाता है जो कि यार बहुत ही कमाल की यहाँ पर बात है। इसी के साथ साथ गाइज आप लोग यहाँ पर कलर ओएस 12 का जो अपडेट है उसके अंदर जो वॉलपेपर है, डिफॉल्ट जो वॉलपेपर है या फिर आपका कोई भी वॉलपेपर है उनके जो कलर है वो भी आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हो। सो ये वाला भी आपको फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वाला फीचर है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया सो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब फीचर के बारे में तो यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, सो यहाँ पर क्वांटम एनिमेशन 3.0 को कैसे यहाँ पर बोल सकते हो, क्वांटम एनिमेशन 3.0 का जो यहाँ पर फीचर देखने को मिलता है इसके अंदर आपको बहुत ही कमाल की यहाँ पर एनिमेशन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों को यहाँ पर स्मार्ट स्लाइड बार है उसका एक नया अपग्रेडेड वर्जन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कलर ओएस 11 का जो अपडेट है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्मार्ट स्लाइड बार है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता था, लेकिन अब इसको यहाँ पर इसकी विड्थ है वो यहाँ पर बड़ी की गई है, और जो लेआउट है वो आप लोगों को यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों कलर ओएस 11 अपडेट के अंदर हमको यहाँ पर कोई भी फीचर है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है प्राइवेसी डैशबोर्ड, लेकिन यहाँ पर कलर ओएस 12 का जो अपडेट है इसके अंदर आप लोगों को प्राइवेसी डैशबोर्ड का एक नया फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जहां पर किस एप्लीकेशन ने कौन सा आपका माइक्रोफोन है, कैमरा है, कौन से टाइम पे यहाँ पर यूज किया है और कितने समय तक यहाँ पर यूज किया है, सो आपको कम्प्लीट हिस्ट्री है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो कि भाई बहुत ही कमाल का आपको फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं ऑफिशियल डिवाइस लिस्ट के बारे में। सो आप लोग यहां पर जैसा कि देख सकते हो नवंबर का जो मंथ है इसके अंदर आप लोगों को यहां पर अपडेट है फाइंड X2 प्रो और X2 प्रो एडिशन को मिलेगा, और फाइंड X2 को भी अपडेट मिलेगा, रेनो 6 प्रो 5G के अंदर भी अपडेट मिलेगा, रेनो 6 प्रो 5G एडिशन के अंदर भी अपडेट मिलेगा, और रेनो 6 5G डिवाइस के अंदर अपडेट मिलेगा, और अब भी अपडेट है वो यहां पर रिलीज हो चुका है ओप्पो के X3 प्रो डिवाइस के लिए। सो फाइंड X3 प्रो 5G जो डिवाइस है इसके लिए अपडेट है वो ऑलरेडी यहाँ पर रिलीज हो चुका है, दिसंबर का जो मंथ है उसके अंदर आपको अपडेट है वो रेनो 6 सीरीज, रेनो 5 सीरीज, ओप्पो F19 प्रो प्लस A74 और A73 डिवाइस के अंदर अपडेट मिलेगा, और यहाँ पर क्वार्टर वन 2022 का जो मंथ है उसके मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च इनके अंदर आपको इतनी डिवाइस के अंदर अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो पॉज करके यहाँ पर देख सकते हो, या फिर जो लिस्ट है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पहले ही प्रोवाइड करा दी है ओप्पो रियलमी सिस्टम ऐप अपडेटर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके यहाँ पर चेक कर लीजिए। और क्वार्टर टू का जो यहाँ पर मतलब कि
अप्रैल मई जून का जो मंथ है उसके अंदर आपको अपडेट है वो इतने डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। आप गाइज इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन से और नए फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो आप लोग मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया सो अभी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।